पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम गए थे वीकेंड गेटअवे के लिए। 2 दिन का ट्रिप था, 1 नाइट स्टे था। बहुत ही अमेजिंग सी प्लेस थी और बहुत मज़ा आया हमें। चीकू के साथ हमारी पहली ट्रिप थी, पहला वीकेंड गेटअवे था। सो मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्ट्रॉलर ली थी कुछ दिन पहले, हमने परचेज किया था डिलीवरी से पहले। ऐसा तो स्ट्रॉलर बहुत अच्छा था लेकिन रोड साइड ट्रैवल के लिए सही नहीं लगा क्योंकि वो हमारे कार में फिट नहीं हुआ। देन हमें वापस से अभी कुछ दिन के बाद एक रोड ट्रिप करनी है, तो रोड ट्रिप एंड कहीं बाहर जाओ तो बेबी के लिए स्ट्रॉलर लगता ही लगता है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम एक और स्ट्रॉलर परचेज करेंगे विच कैन बी ईजली हैंडल्ड। तो ये केबिन स्ट्रॉलर है बेबी हक से जो हमने लिया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या आप बता सकते हैं मैं क्यों एक्साइटेड हूँ? नहीं, टेल मी। नहीं, पहले आप गेस्ट करो। क्योंकि आपकी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है? नो, क्योंकि मैं हूँ के घर जाने वाली। वाओ, विद योर लिटिल सिस्टर? ये मैं नोसी नोसी 1 2 3 दिल को करारा है, तुझे पे प्यारा है, पहली पहली बार आया हो ना, तुझे यू प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। जो भी मैंने लीड नहीं, मैं भी गर्ल हूँ, पर मेरी एक लिटिल सिस्टर है वो भी एक गर्ल है, तो ना उसकी मैं 2 रील बनाई हूँ। कैन आई सिंग देम? ओके, 1 2 3 दिल को कराया तुझे पे प्यार आया, पहली पहली बार आया हो या ना, दिल को कराया तुझे पे प्यार आया, पहली पहली बार आया हो या ना। 1 more reel कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड ये मैं नहीं हूँ, उसका बर्थडे है ना, इसलिए मैंने उसका बैलून पकड़ा है। वो गार्डन में बाहर आई है इसलिए ना मैं ना थोड़ी देर में डोर खोल के आ रही हूँ। ओके, वेरी नाइस, सो लवली। बहुत दिन के बाद आज मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ पे जा रही हूँ और भाई छोटी सी प्यारी सी आहना का बर्थडे है। मैंने बहुत पहले उसका फर्स्ट बर्थडे का व्लॉग शेयर किया था, तो आज मतलब आज नहीं कल है उसका 5th birthday एंड शी इज टर्निंग 5। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। ऑल्दो मैं थोड़ा पहले जाना चाहती थी लेकिन बेबी के साथ में, ये जो हमारी बेबी है इनके साथ में एंड इनके पापा के साथ में, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। सो लेट्स सी क्या होता है। वैसे भी हम थोड़ा पहले ही जा रहे हैं, एकदम कल कल के नहीं रखा, रात तक पहुंच जाएंगे। और चलो जाती हूँ और देखती हूँ फिर क्या होता है। I'm so excited. चीकू, चीकू कपड़ा खा रही है, ननू कपड़ा खा रही है। नो, कीप द फैब्रिक आउट। और ये ऐसे वैसे कहीं पे भी नहीं रखो, उसका स्वेडल है। क्या है दादा? तो आजकल हम मिनी व्लॉग बनाते हैं, पता है? अरे पिज़्ज़ा, ठीक है दीदी, पिज़्ज़ा, ये चॉकलेट वाके। ले आओ ले आओ। ये अनु, फाइनली आओ के घर आ गए आप, फाइनली। ये आज पता है आप आओ दीदी के बर्थडे में आए हो चंद्रपुर, इट्स योर फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप एंड यू आर 3 months एंड 15 days ओल्ड बेबी। अनु दीदी, अनु बेबी इज रेडी, मॉम इज रेडी, लेट्स गो।
दादी तो फोटो खिंचाना है ना? बारिश हाँ, आप अपने फ्रेंड के घर से वापस जा रहे हो? यस, ओ मिस कर रहे हो आओ को? What a great day we had and it was just amazing. मज़ा आ गया. पहली बार गई थी मैं फ्रेंड के घर. सो वहाँ से लौटते ही हमें एक और बर्थडे पार्टी अटेंड करनी थी और बैक टू बैक पार्टीज़ हो रही थी. अनिका को लेके जाना भी इम्पॉर्टेंट था और अभी अनविका के साथ ही हमारी थर्ड बर्थडे पार्टी है. येस, थर्ड बर्थडे पार्टी है तो उसके लिए भी काफ़ी कुछ नया है और सोशल गैदरिंग भी. पहले तो हम बहुत डर रहे थे कि लेके जाएं या नहीं लेके जाएं क्योंकि काफ़ी क्राउडी हो सकता है, लेकिन हाइजीन था, सब कुछ था और काफ़ी अच्छी प्लेस थी एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं थी, इसलिए हम गए और स्पेशली हम अनविका को लेके गए तो उससे बहुत मज़ा आया. मुझे ऐसा लग रहा था वो क्रैंकी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. बस दो बार उसे फीड देना हुआ और थोड़ा बहुत यहाँ घुमाना हुआ और वो बहुत मज़े कर रही थी. Enjoying food. Hi everyone. I would say hi mommies, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ actually वो new mommies के लिए ज़्यादा effective है. सेकेंड टाइम मॉमीज एक्चुअली कुछ चीज़ें पहले से लर्न कर लेती हैं इसलिए उनको पता हो जाता है, बट फर्स्ट टाइम मॉमीज को कुछ नहीं पता होता. सो अगर आप अपने बेबी को बबल बनाते हुए देखते हो, मुंह पे बबल बनाते रहते ना, इस टाइप के साउंड निकालते हैं. जनरली ऐसा होता है जब बेबी टू मंथ्स कंप्लीट करने वाला होता है, लाइक वन एंड हाफ मंथ से स्टार्ट कर देते हैं बेबी करना. थोड़ा पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, बट करते हैं. तो आप ये प्रिपेयर करके रखो कि एक महीने के बाद में आपको ये सारी आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, बू बू बा 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 इस टाइप की आवाज़ें. एंड ऑल्सो बेबी मुंह से बबल बनाएंगे, यानी कि जो थूक होता है, जो स्लाइवा होता है, वो बाहर निकालते हैं बबल के फॉर्म में. सो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, सारे बच्चे ऐसा करते हैं. जो नहीं करते हैं वो एक अलग हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल है, ये सब बच्चे करते हैं. अब ये करने का बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक अर्ली स्टेज में जब बच्चा बोलना सीख रहा होता है ना, बच्चे बोलना सीखते हैं प्रॉपर तरीके से एक या डेढ़ साल में. लेकिन इस एज में यही वो फर्स्ट स्टेप होता है जब बेबी आपकी लैंग्वेज को समझते हैं, है ना.
और वो बोलने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। आप जो भी चीज बोल रहे हो, जो बातें आप कर रहे हो, जिस लैंग्वेज में आप बोल रहे हो, बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हो, वो उसे कॉपी करने का सोचते, समझने का सोचते हैं और वो ट्राई करते हैं बोलने का अपने तरीके से। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका बेबी बू बू बा 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 ये सब करे, प्लीज साफ लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आप अपने बच्चे को टीच करना चाहते हो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज आपकी है, उस लैंग्वेज में आप बेबी से बात करिए। साफ साफ वर्ड यूज करिए, साफ साफ फ्रेजेस यूज करिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप यूज करिए बेबी के साथ में बात करते समय, जिससे कि वो समझ पाए शब्दों को और उस वर्ड को समझ पाए, आपकी इमोशंस को समझ पाए, आपके एक्सप्रेशंस को समझ पाए, आप क्या उससे बातें कर रहे हो। और थोड़ा सा अट्रैक्टिव तरीके से करो ना, कि जिससे बेबी आपके साथ में इंगेज हो सके। अब ऐसा नहीं किया है क्यों बू 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 कर रहे हो, ऐसा ये सब नहीं ना। बेबी आप क्या बातें कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, ये आई एम योर मम्मा, आई एम योर पापा, आई एम योर सिस्टर, लेट्स गो एंड प्ले, लेट्स प्ले, कम ऑन, गिव मी योर हैंड्स लाइक सच, यू नो, इस तरह का। ऐसा नहीं कि यही बोलना है, कुछ भी बोलो, जो भी आप बोलना चाहते हो। जैसे कि हम बेबी से जब बात करते हैं ना, तो ऐसे ही बहुत ही क्लियर क्लियर बात करते हैं। आपने ब्लॉग्स में देखा होगा मुझे बेबी से बात करते समय, और स्पेशली उस टाइम पे जब वो बबल बना रही होती है और वो बोलने की कोशिश कर रही होती है, वो कर रिएक्ट कर रही होती है, उस टाइम पे तो बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि उससे ऐसे बात करें जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में कि वो चीजें सीखे। और इस तरीके से ना बेबी बहुत जल्दी क्विकली बोलना सीख जाते हैं। पेरेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है बेबी अपने टाइम से बोलना सीखेगा। बेबी अपने टाइम से बहुत टाइम में सीखेगा ना, इतनी जल्दी बेबी सीखा सिखाया नहीं है कि वो आते ही सब सीख लेगा। हमें बेबी को बहुत गाइड करना पड़ता है, बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, एंड दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच देम। सो ध्यान रखना। यस्टरडे आई हैड समथिंग आई रियली नीड टू शेयर दैट, बिकॉज आई एम अ न्यू मॉम। It's been 3 months only, and in 3 months में एक बार मुझे ऐसा ब्लीडिंग आया बीच में डिलीवरी के, लगभग 21 days पे ओवर हो गए थे पीरियड्स, उसके बाद आया। देन उसके बाद अभी कल वापस से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ। आई एम नॉट श्योर दैट इज अ नॉर्मल पीरियड या फिर ये बीच में जो ऑफ एंड ऑन होता है रहता है डिलीवरी के बाद, ये वो है। बट स्टिल अभी आज सेकेंड डे है, आज भी हो रहा है, तो आई गेस मुझे स्टार्ट हो चुकी है पीरियड्स। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद में मुझे 8 months के बाद ही आए थे पीरियड्स। जो ब्लीडिंग शुरू हुई थी 8 month के बाद हुई थी, लेकिन अभी ये, अब देखती हूँ कि क्या होता है, कितने दिन तक कंटिन्यू होता है। अगर 4 to 5 days चलता है, दैट मीन्स इट इज़ अ नॉर्मल पीरियड। एंड नेक्स्ट मंथ अगर वापस सेम टाइम पर रिपीट होता है, दैन इट मीन्स दैट इज़ अ नॉर्मल पीरियड। सो इसके बारे में भी आपको डिटेल में सेपरेट वीडियो में बताऊंगी सारी डिटेल्स। फिलहाल एक छोटी सी अपडेट थी जो कि मैंने इस व्लॉग में आपके साथ में शेयर करी है। और आप भी बताना अगर आपकी डिलीवरी हुई है, कितने दिन में आपके पीरियड्स आए हैं, अभी आए या नहीं आए, या फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी में कैसा था, सब आप मेरे साथ शेयर जरूर करना नीचे वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में। सो ये है आर फॉर रैबिट का फेदर डायपर्स। काफी अच्छे रिव्यूज थे इसके हर तरफ, तो मैंने सोचा ट्राई करने को। इस समय मैं कई तरह के डायपर ट्राई कर रही हूँ, जल्द ही आपके साथ इन डायपर्स के रिव्यू शेयर करूंगी। मैंने आपको बताया कि कल मुझे मॉर्निंग में पीरियड्स आ गए थे, एंड मैं वेट कर रही थी, देखती हूँ कि नेक्स्ट डे कंटिन्यू होता है या नहीं। तो आज भी पूरा दिन कंटिन्यू हुआ, अभी इवनिंग हो गई है, 6:30 हो रहा है, 6:25 हो चुके हैं, और जस्ट मैंने मिल्क पिया और यहाँ पर बैठी हूँ। शाम को मैं नहाई कि अच्छे से मैं देखूँ कि क्या है। मैंने दो बार जो डायपर था विस्पर वाला डायपर मैंने यूज़ किया, और अभी वो मुझे फिट आ गया जो मैंने डिलीवरी के लिए परचेज़ किया था। एक दो पीस ही सिर्फ मैंने टेयर करके यूज़ किया था। सो अभी वो जो पूरा पैकेट था, बड़ा पैकेट मैंने लिया था, वो अब यूज़ आ गया और मुझे फिट भी आ गया। लकीली मैं इतनी खुश थी कि यार देखो, मैंने मेरी जो वेस्ट लाइन थी ना वो कम कर ली, तभी तो ये आ गया। अदरवाइज उस टाइम तो बिल्कुल बिल्कुल पैर से ऊपर भी नहीं जा रहा था और बड़ा साइज़ भी अवेलेबल नहीं था। सो M2L वाला साइज ही मैंने लिया था और अब वो मुझे एकदम अच्छे से फिट आ गया। मैंने ओवरनाइट उसे पहन के रखा, तो
जो वो कह रहा है वो एक्चुअली वो कर रहा है. सो इट मीन्स कि इट्स अ गुड वन. आप इन्वेस्ट कर सकते हो नॉर्मल पीरियड्स के लिए, तो इट्स अ परफेक्ट वन. एंड डिलीवरी के लिए तो मैंने आपको बताया है, अगर आपकी जो लोअर बॉडी है वो ब्रॉड हो गई है, आपको सही साइज नहीं आ रहा है, तो आप इसे एज अ पैड यूज़ कर सकते हो टियर करके, पैंटी पे डाल करके. तो ये सब छोटे छोटे हैक्स हैं जो मैंने फॉलो किए थे मेरी डिलीवरी के बाद और आपको बताया भी था. अभी स्टेटस यही है कि मुझे बिल्कुल वैसी क्रैम्पिंग हो रही है जैसे कि पीरियड के बाद पीरियड के टाइम पे होती है. पेट पर, कमर पर और साइड्स में, थाइस पर मुझे पेन होता था, बहुत पेन होता था, और अभी स्टार्ट हो गया है. रात में तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी सोने में, लेटने में, क्योंकि पेन रहता है ना, और मैं पेन क्लियर खा नहीं सकती क्योंकि बेबी को फीड कराना है. सो जनरली ये जो पीरियड्स होते हैं डिलीवरी के बाद, जो पीरियड्स आ रहे होते हैं वो ख़त्म होने के बाद में अराउंड 6 to 8 months लेते हैं, उसके बाद ही वापस से कंटिन्यू करते हैं. ये नॉर्मल केस होता है, लेकिन कुछ लोगों को लाइक एवरी मंथ भी थोड़ा थोड़ा एक दिन या दो दिन आता है, फिर स्पॉटिंग आती ही आती है, वो भी हॉर्मोन्स के वजह से ही होता है. और ये जो मुझे पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं 3 months में ही, तो ये भी लाइक हॉर्मोनल चेंजेस का रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अले अले अले, वाह 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 वाह, उठो 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 उठो, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे हम. दिवाली का टाइम था और अचानक से हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, और पहले तो मैं लगा कि यार लंबा इन्वेस्टमेंट जाने वाला, नहीं तो मशीन को एक्सचेंज करना पड़ेगा और न्यू परचेज़ करनी पड़ेगी. लेकिन फिर हमने मैकेनिक को बुलाया IFP से ही, और फिर उन्होंने बोला कि 5 to 7 thousand रुपये में बन जाएगा और इसका ड्रम जो है वो चेंज हो जाएगा. तो पहला था ऐसा सर्विस जो भी पड़ा, और लकीली हमें बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ा. ये रैपर, ये वंजी है चीकू की ऐसे, और ये जो ऊपर से रोम्पर है ये एक्चुअली अनिका का है. वी आर ऑन द वे टू हॉस्पिटल.